जय इंडियन कोस्ट गार्ड रिक्रूटमेंट 2022। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल्स में। आज की वीडियो में बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स के बारे में। आप लोगों को बता दें कि हमारे चैनल में कोई भी फॉर्म लगेगा, चाहे वो सिविल का हो, डिफेंस का हो, तो आप लोगों को वीडियो देखने को मिलती है। इसलिए आप लोग जो चैनल पर पहली बार आ रहा है गवर्नमेंट जॉब की अपडेट्स के लिए, हमारे चैनल को आज से ही सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि एक बम्पर वैकेंसी आई हुई है। ये वैकेंसी आप लोगों की कोस्ट गार्ड में आई हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर कोस्ट गार्ड आता है और इसकी यहाँ पर कुछ पोस्टें निकली गई हैं। इन पोस्टों को फिल करने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, कौन कौन बच्चा इस फॉर्म को फिल कर सकता है, इसमें उम्र क्या होगी, इसमें लास्ट डेट कब है, फॉर्म फिल कैसे करना है, इसकी फ़ीस क्या होगी, एग्ज़ाम कहाँ होगा, रिटर्न आपका कहाँ पे होगा, क्या सिस्टम रहता है, पूरा इस वीडियो में आपको कवर करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर ले आने वाले समय के अपडेट्स के लिए। इस सबसे पहले हम बात करेंगे इस कि वैकेंसी किस किस की है। नैविक जनरल ड्यूटी की पोस्ट है, नैविक डोमेस्टिक ब्रांच की, यांत्रिक मैकेनिकल की, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल की, यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक की, यहाँ पर पोस्टें देखने को आपको मिलने वाली हैं। नैविक जनरल ड्यूटी की 260 पोस्ट हैं, नैविक डोमेस्टिक ब्रांच की 35, यांत्रिक मैकेनिकल की 13, फिर 9 और 5 वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। वैकेंसी इंक्रीज देख सकते हैं, द वैकेंसी आर टेंटेटिव, यानी कि टेंटेटिव वैकेंसी है, वैकेंसी बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, बट कम नहीं होती, वैकेंसी टाइम अनुसार बढ़ती ही है। अगर आप लोग इसके लिए एलिजिबल है, इस फॉर्म को जरूर फिल करें। उम्र की बात करें तो 18 से लेकर 22 साल तक उम्र जनरल की, 18 से लेकर 22, और आपको बता दें कि ओबीसी एससी और एसटी को यहाँ पर 5 साल की छूट है, 22 और 5 आप लोग ऐड कर लें और 3 साल की ओबीसी को छूट है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। बाकी इसकी सबसे बड़ी मेन पॉइंट्स जो रहता है वो क्वालिफिकेशन रहता है। उम्र आपको बता दी है मैंने और फॉर्म निकल चुके हैं जे, और कब से लेकर कब तक फिल होंगे ये सबसे पहले ज़रूरी बात है। जनरल वाले की बात करें तो 1 अगस्त 2000 से लेकर 31 जुलाई 2004 के बीच में आते हो तो फॉर्म को फिल कर पाएंगे। आप लोगों को बता दें कि ये फॉर्म कुछ ही दिन खुले हुए हैं। ये फॉर्म 4 जनवरी से लेकर 14 जनवरी तक ही फिल होंगे। 4 जनवरी यानी कि आपके फॉर्म फिल स्टार्ट हो गए हैं और 14 जनवरी तक ये फॉर्म फिल होंगे। किसी भी इंटरनेट वाले के पास जाकर आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आपको हमने पूरा डाटा बता दिया है, अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को जरूर फिल करें। इसका सबसे पहले रिटर्न होगा। अभी क्वालिफिकेशन आपको बताना बाकी है। नैविक जनरल ड्यूटी में वैकेंसी ज़्यादा है और अगर आप लोगों ने 10th पास की गई है मैथ फिजिक्स से किसी भी बोर्ड से तो आप लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। नैविक डोमेस्टिक ब्रांच की बात करें तो इसमें 35 पोस्ट है ऑल इंडिया के लिए, उसमें सिंपल 10वीं पास आप लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों आप लोग फॉर्म जरूर फिल करें, अगर आप लोग एलिजिबल हैं एग्ज़ाम देंगे तो आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चलेगा। यांत्रिक के लिए 10वीं पास और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और बाकी आपको बता दें कि यही पोस्टें हैं आपके पास रखी हुई और कोई अपडेट्स नहीं। इसका रिटर्न होगा दोस्तों, सबसे पहले इसका रिटर्न होगा, जो सेंटर होगा रिटर्न का सेंटर कहीं भी आ सकता है। उसके बाद होती है दौड़ वगैरह, बाद में होती है, सबसे पहले रिटर्न होता है। रिजल्ट भी साथ साथ में आ जाते हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के नीचे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे, कुछ नेवी के फॉर्म लग रहे हैं। दोस्तों डोमेस्टिक आपको बता दें कि ये भी नेवी के अंडर ही आता है, कोस्ट गार्ड, बहुत ही बढ़िया जॉब रहता है, सेम फैसिलिटी है। आपको बता दें कि डिफेंस के अंडर जैसा सिस्टम, जिस तरह से आप लोगों को पेंशन सिस्टम पूरा यहाँ पर डाटा दिया गया है, इसमें आप लोगों को सारे डॉक्यूमेंट डोमेसाइल लेकर, अपने 10वीं 12वीं की मार्कशीट्स लेकर, आधार कार्ड लेकर आप लोगों को किसी भी इंटरनेट वाले के पास चले जाना है। एससी और एसटी वालों की फ़ीस नहीं है, बाकी वालों की 250 रुपया फ़ीस भी लगेगी, 100 रुपया फिल करने का, 500 रुपया लूट लेना है घर वालों से फॉर्म फिल करने के लिए। बाकी एग्ज़ाम सिटी की बात करें, एग्ज़ाम दूर नहीं होगा, एग्ज़ाम शायद जम्मू में भी होता है इसका, जलंधर में भी, और बाकी वो आप लोग टेंशन ना लेना, एग्ज़ाम जहाँ मर्जी हो आप लोग पहुँच जाएंगे। भर्तियाँ बहुत आने वाली हैं, धड़ाधड़ भर्तियाँ आने वाली हैं, इसलिए आप लोग लगातार चैनल से जुड़े रहें और कोई और वैकेंसी आती जरूर बताएंगे। लास्ट डेट 14 जनवरी को, ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।